यमुनोत्री धाम देवभूमि उत्तराखंड के चार धामों में से एक माना जाता है, जिसकी ऊंचाई समुद्र स्थल से 3291 मीटर की है। यमुना का स्रोत एक बर्फ की झील और चंपासर ग्लेशियर से होता है, जिसकी ऊंचाई समुद्र स्थल से 4421 मीटर कालंदी पर्वत पर स्थित है। यमुनोत्री धाम सूर्य की पुत्री देवी यमुना को समर्पित है। तो चलते हैं उत्तरकाशी से यमुनोत्री धाम की इस पैदल यात्रा पर। Hey guys, very good morning. So, हम उठ चुके हैं, ऑलमोस्ट 4:15 हो गई है, 3:30 बजे उठ गए थे आज। फैशन अप होके रेडी होके हम जा रहे हैं यमुनोत्री। ठंड है बहुत आज, सुबह सुबह तो ठंड है, और मैंने अभी जैकेट लिया नहीं क्योंकि अभी बस में जाएंगे, उसके बाद ही मैं जैकेट पहनूंगा। सब रेडी हो चुके हैं, बस हम निकलने वाले हैं। रेडी हो गए हो क्या? हाँ ले रहे हैं, बराबर ले रहे हैं। गाइस हम ऑलमोस्ट यमुनोत्री पहुंच चुके हैं। यहाँ थोड़ा ट्रैफिक लगा हुआ है, आप देख सकते हैं गाड़ियाँ खड़ी हुई है ऊपर जाने के लिए। वहाँ पे जाना है हमें, वहाँ से फिर हम पैदल जाएंगे। पीछे आप झरना देख सकते हैं, ये पीछे झरना है। तो हम यमुनोत्री चढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। पीछे देख सकते हैं हम रास्ते चल रहे हैं, सबने टोपा जैकेट वैकेट शोल्डर बैग्स वगैरह सब ले लिए हैं, मैंने भी ले लिया है क्योंकि बहुत ठंड लग रही है। भैया बहुत खुश हो रहे हैं, पता नहीं क्यों हो रहे हैं लेकिन खुश हो रहे हैं। राजपाट बैठ गया सर हमारा, राजपाट राजपाट बैठ गया भोलेनाथ का, पता नहीं क्या कह रहे हैं। चलो हम ऊपर चलते हैं। शिव शंकर जय बम बोले। ये आप देख सकते हैं गाड़ियां आ रही हैं, घोड़े गाड़े भी आ रहे हैं। ये हमने चलना स्टार्ट कर दिया है ट्रैक पे, यमुनोत्री ट्रैक। आए घोड़े गाड़े आ रहे हैं, आए नहीं बोल पा रहे। हेलो, चलो एक और बार जयकारा कर दो। गाइस हमारी ट्रैकिंग हो गई है स्टार्ट, बहुत से लोगों ने लकड़ियां भी ले ली है। 7:40 पे स्टार्ट किया है, लकड़ी दिखाओ। 7 किलोमीटर का ये 7:45 पे थोड़ी किया है अपन, 7:40 पे किया है। 7:40 पे हमने स्टार्ट किया है ट्रैक, और पता नहीं हम कितनी देर में पहुंचेंगे। 6 किलोमीटर का ट्रैक है, सुहाना सफर है, सुहाना सफर है। नीचे पूरा साथ दे रहा है, नीचे तो लग रही थी हमें ठंड, लेकिन अब सूर्य उदय हो चुका है, गर्मी नहीं लग रही भाई साहब, लेकिन ठंड भी नहीं है इतनी। हाँ चलते चलते हमें गर्मी जरूर लगेगी क्योंकि बैग भी हमने ले रखे हैं। उपा जी तो बिना बैग क्या है। ओ भैया कह रहे हैं कि डोली तो ले ले, मैं कहा डोली तो हमारी हो गई 3 महीने पहले, ये घूम रही हमारी डोली साथ में। यमुनोत्री धाम का ट्रैक 6 किलोमीटर खरसाली से पहाड़ों के बीच होते हुए खड़ी चढ़ाई पर किया जाता है।
यह ट्रैक पैदल यात्री 3 से 3.5 घंटे में आराम से पूरी कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम थोड़ी देर रुके हैं चाय पानी पीने के लिए, थोड़ा नाश्ता कर लें। देख सकते हैं बैठे हैं ये सब गाइस। हेलो, सब लोग बैठे हैं खा रहे हैं आलू के पराठे। खाने के लिए हम रुके हैं, कुछ लोग चने खा रहे हैं, कुछ लोग आलू के पराठे खा रहे हैं। हल्का सा पेट भरेंगे, ज़्यादा नहीं भरेंगे क्योंकि बहुत चढ़ाई चढ़नी है, उसके बाद हम चलेंगे ऊपर। यमुनोत्री धाम में प्रशासन ने यात्रियों के चढ़ने व उतरने के लिए उचित व्यवस्था उपलब्ध कराई हुई है, जिसमें पालकी वाले, खच्चर वाले, पिट्ठू वाले अपने निर्धारित शुल्क लेकर यात्रियों को चढ़ने व उतरने में मदद करते हैं। पालकी का शुल्क 3.5 से 4 हज़ार, पिट्ठू का शुल्क 1.5 हज़ार से 2 हज़ार और खच्चर वालों का शुल्क 2.5 हज़ार से 3 हज़ार का लमसम होता है। पालकी वाले बड़ा डिस्टर्ब करते हैं, और कोई करे नहीं करे, वरना हमसे जल्दी चढ़ते हैं। अरे आप 4 जन एक साथ चल रहे हो, वो भी खाली पालकी लेके, वो नहीं दिख रहा है हमें, बोल रहे हो डबल ना चले। चल रहा, बाय बाय, ओके, बाय बाय। ट्रैक की चौड़ाई कम वह आने जाने का एक ही रास्ता होने की वजह से पैदल यात्री को कम से कम 5.5 से 6 घंटे चढ़ने में ही लग जाते हैं। गाइस 1 किलोमीटर हमने ट्रैक कर लिया है, सिर्फ 5 किलोमीटर और बाकी हैं। बहुत धीरे धीरे चलना पड़ रहा है, देखो सब ऐसे खड़े हैं। ग्लेशियर का पानी इतना बह रहा है, फिसलन इतनी हो, पानी बहुत हो रखा है नीचे, रिपस्ते रिपस्ते बचा हुआ यार, पूरा पानी पानी हो रखा है, स्लिपरी हो रखा है, पूरा गीला हो रखा है। धूप अच्छी है इसलिए ठंड नहीं लग रही है, वरना ठंड बहुत है। धूप अच्छी है, व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, आपको मैं दिखाता हूँ व्यू। व्यू है पूरा यहाँ का, पूरा बर्फीला पहाड़ दिख रहा है। आप भी चढ़ा लियो बाद में, हमें ध्यान रखें, ये पालकी वाले बहुत परेशान करते हैं नॉर्मल चलने वालों को, साइड साइड बोलते हैं। भीड़ बहुत चल रही है वैसे भी, बहुत मशक्कत करके चलना पड़ रहा है, कीचड़ है, गादा है, पानी है, ऊपर से ये पालकी वाले, घोड़े वाले, छोटी सी रोड है उसमें भी इनको जल्दी जल्दी घुसना है, जाना सबको एक ही जगह ऊपर, लेकिन फिर भी जब सबको जल्दी जाना है। ये देख सकते हैं आप, कैटल यात्री, घोड़े सवार भी जा रहे हैं इतने चिकनी रास्ते में। कहीं कहीं थोड़ा चौड़ा रास्ता है, कहीं कहीं थोड़ा नैरो रास्ता है, ज़्यादा चौड़ा नहीं है इसलिए बड़ी दिक्कत होती है। देख सकते हैं कैसे ये फटाफट आते हैं। झरना देख सकते हैं आप, स्टार्ट हो गया है झरना। ये भाई साहब का घोड़ा वाला कहीं और चला गया है, पानी पीने के छोड़ के यहाँ पे उसको। अब आया है वो, यहाँ से देख झरना है पूरा। पूरा झरना यमुना वाला, पूरा ब्रिज टाइप बना रखा है, यहाँ से देख सकते हो। और कितना
साइड साइड पालकी वाले बहुत परेशान करते हैं। ये पूरा ब्रिज है, देखो लोग यहाँ से आ रहे हैं, पूरा ब्रिज टाइप बना रखा है। गाइस हेलो, 2 किलोमीटर चढ़ चुके हैं सब, 4 किलोमीटर बाकी, 2 किलोमीटर के बाद थोड़ी देर रुके, चाय वाय पियेंगे। हम है जो 10 बजे तक वहाँ पहुँच जाए। हाँ बोलो बोलो कुमार जी, बोलो। 4 किलोमीटर की और ट्रेकिंग बाकी है, कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम 10 o'clock से पहले पहले वहाँ पहुँचे, क्योंकि इससे पहले तेज हुए, मौसम बहुत अच्छा है। वैसे वैसे हम जल्दी जल्दी चढ़ते जाएंगे, अपडेट देते रहेंगे और अपडेट देते रहेंगे। गोपाल जी ने कहा एज पर गवर्नमेंट देते रहेंगे, एज पर गवर्नमेंट रूल खच्चर और उसके रेट के हमारे कोच रेट, ये हमारे कुछ यात्री आ रहे हैं, हमारे कुछ यात्री गण आ रहे हैं, कुछ मेंबर्स हमारे आ रहे हैं घूम घूम से। हाय हेलो एवरीबॉडी, जय शिव शंकर। मुझे छोड़ के आगे चले गए। गाइस वेयर आर यू, प्रलभ प्रलभ, ये देखो ये हमारे सब्सक्राइबर आए कर रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी। गाइस ये देखो, ये है हमारे गाइस जो मेरे को छोड़ के आगे भाग लिए थे, शूटिंग तो जरूरी है। अरे भैया कितने का दिया नींबू शरबत, कितने का दिया? 20 रुपए गिलास दे रहे हैं भैया। यहाँ पे देखो ये है, क्या नाम है भैया आपका? देवी पहाड़ी। देवी पहाड़ी नाम है, देवी पहाड़ी ऑफिशियल नाम से। ओ आपका भी यूट्यूब चैनल है? इन भाई साहब का भी यूट्यूब चैनल है, देवी पहाड़ी ऑफिशियल। जो रीति रिवाज कल्चर या मंदिर के बारे में जानकारी, मैं सारी वीडियो वगैरह मेंशन करता रहता हूं। अच्छा ये भी ब्लॉग बनाते हैं, ये भी वीडियो मेंशन करते हैं। मेरा भी YouTube चैनल है प्रलभ शर्मा व्लॉग्स, तो सब्सक्राइब करें, क्लिक करें। गोपाल जी आपको कुछ बोलना है? जो भी यहाँ आए, जो भी यहाँ पे आए वो नींबू शरबत जरूर पी के जाए। लेट्स गो। दूसरी जगह स्टॉप लेंगे, 2 किलोमीटर हम क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी, अब 3rd किलोमीटर पे हम चल रहे हैं। 6 किलोमीटर का रास्ता है जैसे मैंने पहले बताया था। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना कीचड़ है, बहुत स्लिपरी है, तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप चार धाम की यात्रा और वो भी केदारनाथ या यमुनोत्री पे आ रहे हैं तो कृपया वाटर प्रूफ और बड़े जूते लेके आए ताकि स्लिपरी होने का चांसेस थोड़ा कम रहे, स्लिप ना हो तो आप अच्छे से चढ़ पाएंगे, अदरवाइज बार बार स्लिप होंगे। आप देख रहे हैं कितने यात्री हैं यहाँ पे, कितने यात्री आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। देखो यहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन हमने कराया है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट हमें यहाँ दिखाने पड़ेंगे, उसके बाद ही हमें आगे जाने दिया जाएगा अथवा उसके अलावा हमें आगे जाने। गाइस बहुत भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, आप देख सकते हैं कैसे पब्लिक आ रही है। पापा को तो मैंने घोड़े पे बिठा दिया, उनसे चला नहीं जा रहा था, उनका बैग मैं लेके घूम रहा हूँ, एक मेरे आगे बैग है और एक मेरे पीछे बैग है, दोनों तरफ बैग लेके घूम रहा हूँ, चढ़ रहा हूँ अकेले। बहुत भीड़ है, बहुत परेशान करते हैं यहाँ पे लोग पालकी वाले, आना जाना रास्ता इतना सा है उसमें भी परेशान कर रखा है। अभी पता नहीं कितने किलोमीटर और बाकी है, 4 तो लिखा हुआ था, 4 किलोमीटर और बाकी है। 1 लाख चलो, देखो ये आ गए फिर परेशान करने, 1 लाख चलो, तो एक लाइन में ही चल रहे हैं, पहुंचेंगे हम जल्दी। ये देखे कैसे लोग जा रहे हैं, आधे लोग पालकी में जा रहे हैं, आधे पैदल चल रहे हैं, आधे पिट्ठू लेके जा रहे हैं,
आधे घोड़े लेके जा रहे हैं। मेरा तो ये यमुनोत्री वालों से एक निवेदन है कि जब पैदल यात्री चल रहा हो तो वे घोड़े पिट्टू ये सब नहीं चलाने चाहिए, पैदल यात्री को भी टाइम लग जाता है, घोड़े वाला जल्दी पहुंच जाता है, साइड साइड बोल बोल के जल्दी पहुंचा देता है, पैदल यात्री को दिक्कत होती है बहुत। इतना सा तो रास्ता है उसमें भी हमारी जान ले लेते हैं ये। चलो थोड़ा रेस्ट करने रुका था क्योंकि दो दो बैग हैं, अब निकलते हैं वापस ऊपर। बोलो जय भोलेनाथ की। गया। देखो जबरदस्ती जानवरों से मेहनत करवाते हैं बेचारे, वो गिरते हैं उनको देख भी नहीं सकते, कहाँ लगी है क्या करिए, गीला और हो रहा था अभी सूख गया, स्लिप हो गया एक घोड़ा खच्चर। यहाँ से आप देख सकते हैं क्या भीड़ नजर आ रही है, इतनी भीड़ है, अभी तो बहुत रास्ता बचा हुआ है, भागते हैं। और वही यमुना आपको दिखेगी नीचे भी चलते हुए। ये भाई है, देख रहा था कि मैं वीडियो बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा हूँ, वो 3.5 किलोमीटर अभी बाकी है। धूप तेज होती जा रही है, धीरे धीरे पूरी टैनिंग हो गई है, भीड़ भी बढ़ती जा रही है, तो भैया इनको साइड देना ज़रूरी है। सबसे पहले VIP लोग हैं, जैसे पास में जा रहे हैं भैया हंस रहे हैं, मैंने उनको VIP बोला तो वो देखने लग गए। देखो पिट्टू आ रहा है, चलो 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 साइड। यहाँ का कोड वर्ड है जाके देने के लिए। ये देखो फंस चुके हैं चारों तरफ से, घेरे हुए हैं, कभी घोड़ा तो कभी पालकी कभी पिट्ठू, इंसान तो पानी आ रहा है यहाँ से, छींटे पड़ रहे हैं। चलो भाई ये यमुना का पानी है, पहाड़ों से गिर रहा है, ये देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहाड़ों से गिर रहा है यमुना का पानी। नीचे भी पूरा गीला गीला हो चुका है, आप देख सकते हैं पूरा कीचड़ हो रखा है, धीरे धीरे जा रहे हैं लोग, बहुत ध्यान से चलना पड़ रहा है यार नीचे देख के, स्लिप ना हो जाए, स्लिप हो जाएंगे तो सारी जय माता दी सारी यात्रा दुरुस्त रह जाएगी। नीचे देख के चलना बहुत जरूरी है, आंटी के लिए जय माता दी, 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 मैडम जी आशीर्वाद दे रहे हैं, माता सबका ध्यान रखें जो भी इस यात्रा में आ रहे हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत नैरो गली है, ट्रैफिक जाम हो रखा है यहाँ पे, आने वाले भी यहीं से ही हैं, जाने वाले भी यहीं से ही हैं, बहुत पतली सी गली से आना भी पड़ रहा है और जाना भी पड़ रहा है, रुकना पड़ रहा है बीच बीच में। ये देखो देख सकते हो पूरा जाम लगा हुआ है, आए कर रहे हैं फ्रेंड्स। मैडम यूट्यूब पर हाँ भैया यूट्यूब पे आएगा प्रलब शर्मा व्लॉग्स, देखना जरूर, देखना जरूर। हाँ देखो जय माता दी, जय भोले, जय भोले, हर हर महादेव, जय हो, हर हर महादेव।
ये आगे ब्रिज है, ब्रिज क्रॉस करना है, सीढ़ियाँ क्रॉस करनी है, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, नीचे पानी है। आ गया ब्रिज, ब्रिज पे जाने से पहले थोड़ी देर हम रुक जाते हैं क्योंकि मेरा बैग खुल गया है। तो गाइस थोड़ी देर रुका हूँ, प्यास लग रही थी। यहाँ पे एक शॉप दिखी है, नींबू पानी पी रहा हूँ। नींबू पानी पीना बहुत ज़रूरी है, हाँ या तो पानी या तो नींबू पानी। नींबू पानी से थोड़ी शक्ति मिलेगी तो हम जल्दी जल्दी पहुँचेंगे। वैसे मैं थोड़ा थक गया था क्योंकि दो दो बैग उठा रखे, शोल्डर थोड़ा पेन कर रहा है। आप देख सकते हैं कैसे लोग आ रहे हैं। मैं नींबू पानी पी लेता हूँ और वापस ट्रैक स्टार्ट करता हूँ। भाई यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी चढ़ाई है, देख रहे हैं यहाँ से चढ़ रहे हैं, ये चढ़ रहे हैं, ऊपर भी चढ़ रहे हैं। ब्रिज पर हम आ गए हैं। थक्के चूर हो चुके हैं, थक्के हम चूर हो गए हैं। 4.5 किलोमीटर यानी 4.5 किलोमीटर हम चल चुके हैं। थकान से भी आप थकान यूँ हो गई है कि चढ़ाई है, सीधी चढ़ाई, वो भी सीधी चढ़ाई है, खड़ी घाटी साइड साइड वाले आपको हर जगह दिखेंगे। तो इन्हीं का राज चल रहा है यहाँ पे, साइड साइड वालों का। भगवान यहाँ लिफ्ट लगा दे तो तेरे लिफ्ट करा दूँ। बस पहुँच जाएंगे हम धीरे धीरे मशक्कत करते हुए। चढ़ाई है बिल्कुल स्ट्रेट चढ़ाई है, पहाड़ी के बीच में से स्ट्रेट चढ़ाई है बिल्कुल। ये झरना आप देख सकते हैं ऊपर से बह रहा है पूरा, वो आइस फाउंटेन है। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। उसके बाद डायरेक्ट नीचे नीचे बह रहा है पूरा। जाओ अंदर, चलो चलो अंदर। तो है भाई रेस्ट करने बैठ गया। जय महाराष्ट्र, जय महाकाल, जय महाराष्ट्र। भैया अभी कितना दूर पे और बचा है बताओ? 3 किलोमीटर बचा है और मान लो। कौन सा भाई? गलत शर्मा ब्लॉग्स करके यूट्यूब चैनल है उसको, भाई सब्सक्राइब करो, सबको सब्सक्राइब करो, बोलो सबको सब्सक्राइब करने को, लाइक करने को, शेयर करने को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप भी जय महाकाल, जय महाकाल। हम भी करेंगे आगे सब्सक्राइब। भैया ने बोला है सब्सक्राइब करने को तो सब सब्सक्राइब करें। पॉलिटिकल लीडर है, पॉलिटिकल लीडर। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। उनको बोलो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, शेयर करो। प्रलब शर्मा ब्लॉग्स लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब लोग उनके ब्लॉग देखकर घूमने आ जाइए यार, देखे हैं। और यमुनोत्री के लोग भाई यहाँ पे कितना तकलीफ हो रहा है फिर भी ये लोग ब्लॉग बना रहे, तो इनको मोटिवेशनल के लिए कर रहे हैं, तो इनको सपोर्ट करो और उनको सच्ची में यूट्यूबर आगे बढ़ाओ। बहुत अच्छा बोला है भैया ने, तो इन भैया की बात पे अमल किया जाए। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और आप भी ऐसे सपोर्ट करते रहे। अभी हम चढ़ रहे हैं, अभी हम थोड़ा सा 5 मिनट रेस्ट करेंगे, उसके बाद वापस चढ़ेंगे। हमारे सर बोलेंगे, ये सर भी कुछ बोलना चाहते हैं। बोले भूपेश जी क्या कहना चाहेंगे आप इस यात्रा के बारे में? किसी को कम से कम जिंदगी में एक बार तो यात्रा करनी चाहिए। सही बात, तभी जाके आपको जिंदगी का सही मायने में काम तो आपको करना है। जब तक आप रहते तो काम करने का आप लोगो, लेकिन कुछ भगवान का भी करना चाहिए। बराबर क्या आप सब कुछ बोलते भगवान मर को ये दो, भगवान ये दो, लेकिन आप भगवान के लिए क्या करते? सही बात, सही बात है। और यहाँ आने के बाद आपके शरीर की हालत आपको मालूम चलेगी। हम कितने फिट हैं समझ जाएंगे अभी तक यहाँ के लोग बहुत फिट हैं। गलत में भी दूर होगी ऐसे क्या मालूम है? क्या अपन जाएंगे खाली दूर से हाथ धो रहे हैं भगवान के मुंह से कट से ना जाए कम से पर कट ले भगवान के कष्ट लेना चाहिए। कठिनाइयाँ पार करोगे तभी भगवान चढ़ना गिर रहा है। ये देख सकते हैं आप कितना डेंजर, कोई रेलिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है,
चार देने चल रहे हैं। ऊपर से गधे घोड़े भी चल रहे हैं, गिरने के चांसेस बहुत हैं। जो भी लोग लगे हुए हैं सबको दर्शन करने, चांसेस गिरने के बहुत हैं, फिर भी लोग लगे हुए हैं क्योंकि सबको जाना है ऊपर दर्शन करने। ऊपर नहीं, दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं क्योंकि इतना चढ़ के आए हैं तो अब तो कोई हार मारने से रहा। देख सकते हैं कितनी भीड़ है, ऊपर सब जाम में लगे हुए हैं, पीछे भी देख सकते हैं। चलो बस ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा और है। ये ढोलक सुनते ही समझ जाओ कि मंदिर आने वाला है। दो तीन सीढ़ियां और चढ़नी है बस। मात्र दो तीन सीढ़ियां हैं। जब से ऊपर चढ़ने लगे ना तब से यही कहते आ रहे हैं, जब से हमने पहली सीढ़ी चढ़ी है ना तब से हम यही कह रहे हैं। हमारे आगे वाले और पीछे वाले हम भी मोटिवेटेड रहते हैं, मोटिवेशन मिलता रहे, मोटिवेटेड रहते हैं। सही है, लेकिन ज्यादा बता दूं तो परेशान हो। हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, आप देख रहे होंगे वो रहा यहाँ तक और हमें जाना है। आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, वहाँ पे नोटिस चल रहा है, इन्फॉर्मेशन पास हो रही है माइक के थ्रू। ये देखो गाइस कैसे ग्लेशियर पिघलता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहाड़ है बर्फ का और ये देखो ये यहाँ से ऐसे नीचे धीरे धीरे ये पिघलता हुआ नीचे चढ़ने के थ्रू जाता है। नीचे डायरेक्ट चढ़ना है, ये चढ़ना है ऐसे, बिल्कुल टॉप से आता है पानी और ये कभी ख़त्म नहीं होता, बिल्कुल टॉप से पानी नीचे तक आता है। गाइस हम यहाँ थोड़ा ऊपर आ चुके हैं, ये सिद्धपीठ बाबा का मंदिर है, देख सकते हैं। बीच में एक मंदिर आया था उसके बाद आप देख सकते हैं अभी भी ऊपर बहुत चढ़ना है, अभी भी लोग चढ़ रहे हैं गेट ऊपर तक, आप देख सकते हैं यहाँ तक हमें चढ़ना है। अभी तो हम यहाँ पे हैं, धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। हाँ पुलिस वाले भैया सबको कह रहे हैं कि एक लाइन से चलें क्योंकि ये बिल्कुल छोटी सी रोड है, छोटा सा सकड़ा सा है जिसमें आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं ये पुलिस वाले भैया जो अभी गए, देख सकते सब लाइन में हैं। डिसिप्लिन से चलने के लिए कह रहे हैं सबको ताकि कोई भी भीड़ इकट्ठा ना हो, ट्रैफिक इकट्ठा ना हो और सब आराम से जा पाए। धीरे धीरे चलना पड़ रहा है तो धीरे धीरे, पर्सन ऐसे तो बढ़िया है कि धीरे धीरे हम चलें। भैया आए करो, मैं वीडियो बना रहा था तो भैया पूछ रहे थे कि YouTube पे डालते हो, तो मैंने कहा डालते हो, प्रलब शर्मा ब्लॉग्स करके चैनल है उसमें आप जरूर देखते हैं, आपको कल अपलोड मिल जाएगा अगर आज टाइम मिल गया एडिट करने का तो। अभी तक तो ऊपर ही नहीं पहुंचे हैं, नीचे भी उतरना है फिर रेस्ट करना है। भैया भी थके हुए हैं और मशक्कत करके चढ़ रहे हैं। आपका उसका नाम क्या है? प्रलब शर्मा ब्लॉग्स YouTube पे प्रलब शर्मा सर्च करोगे तो आ जाएगा। हाँ 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 आराम से।
आज अपलोड करेंगे, आज नहीं कल, कल करेंगे। इसको एडिट भी करनी पड़ती है ना, इसे डायरेक्ट डालेंगे तो मजा नहीं आएगा। लोग देखते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं ताकि दूसरे जो सोच रहे हैं कि हम ना जाएं और आने की सोच कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो उनको मालूम चले कि यहाँ पे कितनी कठिनाइयाँ हैं और सुविधाएं भी है, तो आराम से आ सकते हैं, अपना प्लान बना सकते हैं। जय महाकाल, जय महाकाल। अब ठीक, हम दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। हाँ, कुछ देर में पहुँच जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है। सुबह दिखे सही, सब्र का फल मीठा होता है, उसी मीठे फल का हम इंतजार कर रहे हैं और उसी मीठे फल को तोड़ने के लिए हम इतना ऊपर चढ़ रहे हैं। देख सकते हैं सब लाइन से आ रहे हैं, यहाँ लड़ाई हो रखी है, लड़ाई चल रही है, लड़ाई हो रही है, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं पर लड़ाई चल रही है, किस बारे में बात कर रहे हैं पता नहीं, पर लड़ाई चल रही है, लड़ाइयाँ चल रही है यहाँ पे, पहुँचने वाले हैं फिर भी पिट्टू को लेके लड़ाई चल रही है। बस पहुँचने वाले हैं, 200-300 मीटर और है ज़्यादा से ज़्यादा, बस हम पहुँच जाएंगे। सो गाइस, हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, बस 5 मिनट का और रास्ता है। ये भैया भी साथ में चल रहे थे, सफर किया है बहुत सारा अभी तक, सफर किया है इन्होंने, सफर का जो फल हवा में मिल जाएंगे। नीचे मिले थे भैया, वापस मिल गए, पूछ रहे थे कि वीडियो चल रहा है क्या, मैंने कहा चल रहा है, और वापस हम बना रहे हैं। हाँ, 5 मिनट में हम पहुँच जाएंगे, 5 मिनट में पहुँच जाएंगे, ऑलमोस्ट आ गया है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा, पीछे देख सकते हैं अभी भी लोग आ रहे हैं। 8 बजे अप्रॉक्स हम निकले थे और अभी 12:30 बज गई है, तो आप देख सकते हैं कितना टाइम लगा है। तो उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि भीड़ नहीं कह सकता मैं, ये पालकी वाले घोड़े वाले इनकी वजह से ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इनको इनकी वजह से ही तो लग रहा टाइम। देखो आंटी जी भी बोल रहे हैं, आंटी जी एक बार और बोलो, इनकी वजह से लग रहा टाइम, इनकी वजह से ही लग रहा है टाइम, क्योंकि बीच बीच में आ जाते हैं, वरना तो हम 4 घंटे में पहुंच जाए, 3 घंटे में पहुंच जाए। इतना सा तो रास्ता है, उसमें पैदल वाले भी है, ये देखो पालकी वाले भी है, घोड़े वाले भी है, और पिट्ठू भी है, सब एक साथ चल रहे हैं, और इनको बहुत जल्दी होती है ऊपर जाने की, पता नहीं ऊपर जाके गवर्नमेंट का कुछ इतना बराबर नहीं। लोग कह रहे हैं कि सरकार कुछ, ये देखो साइड साइड, इनको पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए, खाली साइड ही चाहिए, तो इनको साइड देके रवाना कर देना नीचे वापस, पैसे नहीं चाहिए होते इनको, खाली साइड चाहिए। ये देखो सब लेंगे, सबको साइड ही चाहिए, जल्दी जल्दी। ये देखो मेरे को धक्का दे रहे, चलने का रास्ता भी नहीं छोड़ते हैं, बस धक्का मुक्के करके इनको पहुंचना है। चलो हम पहुंचते हैं फटाफट, हम पहुंच गए, आप वहाँ देख सकते हैं, देख सकते हैं मंदिर आ गया है, कितनी भीड़ है वो भी यहाँ से आपको नजर आएगा, ये झरना, जय महाकाल, ये झरना गिर रहा है जो ऊपर से, मैं आपको बार बार उसी झरने को दिखा रहा हूँ अलग अलग पर्वत से। आओ भैया आगे आओ, बोलो जय महाकाल, बोलो जय महाकाल। भैया के दोनों बच्चे सो रहे हैं, पिट्टू में बैठ रहे हैं और भैया पैदल चल रहे हैं। जय माता दी। ये देखो ये मंदिर आ गया है, देखे ये सब आके यहाँ पे पालकी वाले ये पहाड़ों पे चढ़े हुए हैं अपनी पालकी खाली करके। चलो चलो चलो,
देखो पालकी वाले सब अपनी अपनी पालकियाँ पहाड़ों पे चढ़ा चुके हैं। लिखा हुआ है देखो, पापा पहुंच गए हैं हमारे पहले ही घोड़े पे। यहाँ लिखा हुआ है यमुना धाम यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। बस यहाँ से थोड़ा सा और आगे चलना है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ अभी पहुँच गए हैं, चाय पीने के लिए रुके थे, चाय पी रहे हैं, भैया की शॉप है। भैया क्या नाम है आपका? राजकुमार नाम है, इनकी शॉप है, आप भैया चाय बनाते हैं। अंकल भी है साथ में, अंकल जी ये हेलो कर दो, नमस्ते कर दो, नमस्ते कर दो। बस अब पहुँच गए हैं, फ्रेंड कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं मेरे कज़न का, बस वो एक बार आ जाए तो अंदर जाएं। उसके बाद भीड़ बहुत है तो सबसे पहले स्नान करेंगे और उसके बाद दर्शन करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतना करेंगे क्योंकि लेट ऑलरेडी हो चुके हैं। 8 बजे हम निकले थे और अभी अराउंड 1 बज चुका है। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से मंदिर दिख रहा है, देखें मंदिर दिख रहा है यहाँ से, भीड़ भी बहुत है अंदर, थोड़ा सा और बचा है। देख सकते हैं कि इन पहाड़ों से भी पानी गिर रहा है, बूंद बूंद टपक रहा है। अभी हमें नीचे उतरना है, ध्यान से चलना, वो तो आ जाएंगे आप, चलो एक बार। बूंद बूंद टपक रहा है पानी, ठंडा है वो, कितना ठंडा पानी है ये देखो, हाँ बहुत ठंडा पानी है, ग्लेशियर का पानी है ये, बहुत ठंडा पानी है ये, गेट ऊपर से आ रहा है। पूरा गीला है नीचे, धीरे धीरे चलना पड़ रहा है, पानी पर्वत से भी आ रहा है इसलिए। अभी अंदर पहुँचेंगे, भीड़ है गाइस। ये है मंदिर और यमुनोत्री जो आ रही है वो आ रही है इधर से, ये देख सकते हैं ये पूरा पहाड़ है, ये आ रही है यमुना ऊपर पहाड़ से, यहाँ से रिश्ती हुई ये आ रही है, ये मंदिर में जा रही है और ये यहाँ से होते हुए पूरा नीचे पहाड़ में जा रही है, देख सकते हैं। ये यात्री दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, वहाँ से भी यमुना बह रही है। मैंने बताया था आपको कि पहाड़ से पानी गिर रहा है तो रिश्ते रिश्ते पूरा पहाड़ से नीचे आ रहा है ऐसे। ये ऊपर से देख सकते हैं आप, हजारों की तादाद में पब्लिक आई है दर्शन करने यमुना माता के, बहुत पब्लिक आई है हजारों की तादाद में। यहाँ से जाना पड़ रहा है हमें, बहुत छोटी सी चट्टान है। ये आ गए हैं मंदिर, हम आ गए हैं, हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। ये कुंड है, ये है गर्म पानी का कुंड, यहाँ पे सब नहा रहे हैं, हम भी नहाएंगे कपड़े चेंज करके एक बार नहाएंगे, सब नहा रहे हैं। ये भैया फिर मिल गए हमें बच्चों को नहलाते हुए, अरे बस नहा रहे हैं, भीड़ देख रहे हैं आप, बहुत भीड़ है। हम पहुंच चुके हैं यमुनोत्री टेंपल पे, आप देख सकते हैं मेरे पीछे वो टेंपल है, भीड़ बहुत सारी हो रखी है। गर्म कुंड में जो सूर्य कुंड जिसे कहते हैं वहाँ पे स्नान कर लिया है, बहुत गर्म था, अब दर्शन करेंगे यहाँ पे। ये गरम कुंड जहाँ पे चावल डालते हैं तो वो उबल जाते हैं,
और इसी से गर्म पानी आता है जो बाहर की साइड सूर्य कुंड में सब लोग नहा रहे हैं, गर्म कुंड। ये है यमुना नदी जो यहाँ से होते हुए यूँ जा रही है। बहुत लोग हैं जो यहीं पे नहा रहे हैं, यहाँ पे भी एंजॉय कर रहे हैं बहुत लोग, सब सूर्य कुंड में नहा रहे हैं। और ये मेरा कज़न भाई, ये मेरा कज़न भाई यहाँ ठंडे पानी से नहाने आया है। यमुना का पानी आ रहा है तो ये ठंडे पानी से यहाँ नहाने के लिए आया है, इसको गर्म पानी पसंद नहीं है। अब ये सिकुड़ रहा है। कैसा लगा ठंडा पानी? कब का पा रहा है ये ठंडा? सुन हो गया ये, सुन एक बार और जा रहा है, जा फटाफट जा, देखो कूद जा। आप तो बैठ जा, अंदर बैठ जा। ये देखो सर डाल रहा है पहले फिर नहा रहा है। आप देख सकते हैं हेड ऊपर बादल है, आइस है, पर्वत पूरे बादल को टच कर रहा है, हेड वहाँ से पानी आ रहा है। अभी भी अगर चढ़ना चाहे तो दो दिन लग जाएंगे। तो गाइस हम यमुनोत्री से निकल चुके हैं और अब उतर रहे हैं धीरे धीरे। टाइम हो गया है अराउंड 5 बज गए होंगे, हमें टाइम तो लगता है चढ़ने में भी उतरने में भी टाइम लगेगा, पता नहीं अराउंड में भी 7 से 8 बजे पहुंचेंगे और उससे ज़्यादा अगर रेस्ट करते करते हुए गए तो। सो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं होटल अपने रूम पे, बहुत थके हुए हैं, अराउंड 10 बज चुका है, 3 घंटे पहले उतर गए थे यमुनोत्री से। उसके बाद ड्राइवर भैया आ गए थे लेने और अब जाके हम रूम पर पहुँचे हैं। बहुत थकान हो चुकी है, आप देख सकते हैं मेरी शक्ल पे दिख रहा होगा आपको क्या थकान हो रखी है, पाँव बहुत दुख रहे हैं, ये सब भी ये देखो पड़ गए हैं आते ही, न चेंज किया है न कुछ किया है, आते ही पड़ गए हैं सब के सब। तो आज अब खाना खाएंगे और उसके बाद सोएंगे, रेस्ट बहुत चाहिए क्योंकि सुबह भी जल्दी उठे थे, 1.5 या 2 घंटे की नींद ली थी हमने। कल जाएंगे उत्तरकाशी, यहाँ से चेकआउट करेंगे और उत्तरकाशी में चेक इन करेंगे, उसके बीच में जो भी साइट सीइंग होंगे वो हम देखेंगे। सो आज के लिए साइनिंग ऑफ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, व्लॉग अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। जय बम्बोरे, टाटा गाइस, से टाटा, से टाटा, टाटा, गुड नाइट गाइस, टाटा।